मैंने कौन नहीं रखवाना, मैंने बहुत लाजमी लेना है। बॉक्सेस हैं, बॉटल्स, बॉटल्स ले लो, एक दो बॉटल्स ले लो, ये नहीं बॉटल्स ले लो एक दो। ये देखो ये बॉल्स है ना, व्लॉग में नहीं आ जाएगा, ये मुझे अच्छी लग रही थी ना, ये तो 200 रुपए की एक है। हाँ ये ठीक है, पर्पल कलर में, ब्लू कलर तो टप लग रहा है, है ना, येलो ही ले लो, ग्रीन ले लो, है ना, एक लेना, हाँ एक ही लेना, ले लेते ग्रीन ले लो। यहाँ से ये कितने के मिल रहे थे जी, ना 199 का एक, हर 199 के तीन चार मिल रहे थे, मैंने एक ही लगाया है। चले जी, हमने बहुत सारी शॉपिंग की है और हम हाइपर स्टार में एक पैकेज लगा हुआ था, रमज़ान पैकेज हर साल लगता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर भी स्पेशल ये पैकेज लगा हुआ था, तो हम तो हर साल ही तकरीबन यहाँ आते हैं इन पैकेजेस का फ़ायदा उठाने के लिए। आइए चलते हैं, हमने देख आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी हमने शॉपिंग की है और हमने क्या क्या चीज़ परचेज़ की है पूरे रमज़ान के हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट वगैरह रखे हुए थे और जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे रमज़ान की आमद है, सबको रमज़ान मुबारक, हैप्पी रमज़ान। और चलते हैं जी हाइपर स्टार की तरफ, ये ग्राउंड फ्लोर से ही थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर पर ही है, तो इसमें जाना कोई इतना मुश्किल नहीं था हमारे लिए। सबसे पहले हमने अपनी ट्रॉली पिक करने के लिए राइट साइड की तरफ मूव किया और वहाँ से अपनी ट्रॉली पिक की है और वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको सब चीज़ें मिल रही थी और पैकेजेस लगे हुए थे, तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ और सस्ते दामों मिल जाए, और आपको क्या चाहिए। तो आइए चलते हैं, पहले ट्रॉली लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना हम मज़ीद शॉपिंग आपको दिखाते हैं। मैंने अच्छी खासी शॉपिंग की है और बहुत ही कम प्राइस में मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई थी ना, तो आइए चलते हैं शॉपिंग के लिए और रमज़ान मुबारक सबको। अच्छा, पाकिस्तान में तो 12 तारीख को रोज़ा है जैसे, तो आज जब मैं वीडियो जब अपलोड करूँगी तो शायद मेरी वीडियो लेट हो जाए, क्योंकि मुझे घर का काम भी इतना था और यहाँ पर शॉपिंग का भी मुझे डे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ज़ाहिर सी बात है रमज़ान स्टार्ट हो जाता है तो जो मदर्स हैं उनका काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है, इसी तरीके से मैं भी मदर हूँ तो मुझे भी अपने घर के पूरी कवरिंग करने का बहुत। आज जा रहे हैं भाई ट्रॉली लेने के लिए हम, आ जाओ वहाँ से ट्रॉली नहीं मिल रही बच्चे, ट्रॉली हाँ ट्रॉली यहाँ से मिलेगी ना। अच्छा जी, ये भी एक कानपुर का बना हुआ है, ठीक है, नेकियाँ बाँटें, ब्लॉगिंग तो हम नहीं छोड़ेंगे ही वो तो, ये देखें जी, चले भाई ट्रॉली ले लें, इतनी ये ले लो बेटा, इजी टू मूव, ये साफ सुथरी सी, यह साफ सुथरी सी ट्रॉली लेते हैं, क्या लगा हुआ वो अच्छा नहीं है, जाएंगे वहाँ से। अच्छा जी, लास्ट ईयर जब हम लोग यहाँ से यहाँ पर आए थे तो इनका रास्ता जो है ना, इनकी सेटिंग जो है ना वो राइट साइड से थी, अब जो है इन्होंने सेटिंग जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट की है, तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए हुए थे। वैसे तो हर 6 महीने के बाद हमारा कुछ ना कुछ चक्कर यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि विंटर की शॉपिंग भी हम यहीं से करते हैं और क्योंकि रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर हमें सारी शॉपिंग मिल जाती है, सारे ड्रेसेस वगैरह भी विंटर के यहाँ से मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है ये राइट साइड से फिर हम लोग जाना पड़ा हमें, क्योंकि लेफ़्ट साइड से पहले इनका वे और बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ होता है। तो अभी यहाँ पर देखें, ये रमज़ान के स्पेशल पैकेजेस यहाँ पर लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं, पूरे रमज़ान में लगे रहेंगे, आप जाएँ और जाके परचेज़ करें ना। बॉटल्स ले लो, एक दो बॉटल्स ले लो, ये नहीं बॉटल्स ले लो, एक 200 रुपये की बॉटल, हाँ तो एक ले लो, लेती ना, तो 200 रुपये की एक है। हाँ ये ठीक है, पर्पल कलर ले, ब्लू कलर ब्लू तो टप लग रहा है, ना ना येलो ही ले लो, ग्रीन ले लो, है ना, एक ही लेना, हाँ एक ही लेना, तो ऑरेंज ले लेते हैं, ग्रीन ले लो। यहाँ से ये कितने के मिल रहे थे जी, ना 199 का एक, हर 199 के तीन चार मिल रहे थे, मैंने एक ही लगाया। चलो, अच्छा यहाँ से हमने ले लिया जी बेसन, ठीक हो गया, हाँ ले लो, जाट दो डिब्बे ले लो, एक ले लो बस, नहीं ना क्यों, बहुत होता है, पकौड़ा मिसाला लेना, पकौड़े बनेंगे, गैस आएगी तो।
अच्छा ये वाला आटा लिया था जो ना आपकी डाइटिंग के लिए बेस्ट है, आप डाइट के हिसाब से ये आटा ले सकती हैं। तो हम लोगों ने लेना नहीं था, ये वाला आटा मैंने ले लिया है जनाब। अच्छा जी, स्पेशल चना चाट के लिए मैंने कहा चने यहाँ से ले लूँ, तो चने तो हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। मैं देख रही हूँ कौन सी क्वालिटी है इसमें। यार मुझे नहीं ये सही लग रहे है चने। दो दो उठा लो, अच्छे बड़े वाले। हाँ चलो एक और उठा लो। चलें जी, चने और केचप के बाद बारी आ जाती है स्पाइसेस की। तो बहुत सारे स्पाइसेस तो मेरे पास ऑलरेडी घर में रखे हुए थे, लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ ना कुछ तो नीड होती है स्पाइसेस की। तो यहाँ से मैंने ली थी इमली और सफ़ेद ज़ीरा, मुझे मेरे पास कम था तो, क्योंकि मुझे इमली की चटनी बनानी थी तो उसके लिए मुझे सफ़ेद ज़ीरे की नीड थी। तो मैंने एक पैकेट सफ़ेद ज़ीरे का लिया था और साथ में मुझे मैंने इमली का पैकेट ले लिया था जो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी मुझे। और इसके अलावा मुझे तुखमलंगा चाहिए था, क्योंकि आपको हम लोग जो है ना इसमें डालते हैं शरबत में ना। और यहाँ पर आ गए हमारे पास बाउल्स, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन जो है ना बाहर के मुकाबले में जैसे आपको मार्केट आम मार्केट में मिलते हैं उसके हिसाब से ये आपको बहुत मतलब सही प्राइस में मिल गए थे। तो आइए चलते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग बाउल्स वगैरह भी ख़रीदते हैं और कुछ प्लेटें भी मैंने ख़रीदी हैं तो वो भी आपको इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। और जग भी चाहिए था हमें, लेकिन जग हमारे पास घर में ऑलरेडी इतने रखे हुए थे कि हमें और ज़्यादा नीड नहीं थी ना जग की, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ बाउल्स ही ख़रीदे। नहीं नहीं यार, होम्स के लिए ये वाले कलर अच्छे होते हैं। रेड नहीं, होम के लिए अच्छा होता, लोकल होता। ये उठा लो एक। हाँ ये एक चना चाट के लिए भी ये लो, एक ले लो बेटा, स्काई कलर का ले लो। कौन सी वाली? अरे नहीं यार, ठंडा रहता है। हाँ ले ले। यार प्लेटें लेनी थी, ये प्लेटें अब मैं देखती हूँ कौन सी। तो एक और भी तो ली है, तीन ली हैं आपने। हाँ ये एक देखो ना, वहाँ से भी लिया है, बहुत प्यारा अच्छा लग रहा है ना। फ्रूट चाट के लिए ये एक रख लो। यहाँ पर आपको प्लेट्स मिल रही थी, मैं देख रही थी, लेकिन यार ये तो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, ये नहीं अच्छी लग रही। नहीं नहीं डिस्पोजेबल है, तो अपनी ट्रॉली अपने साथ लेकर आओ। क्यों छोड़िए? ये पॉपकॉर्न बाउल है, ये तो नहीं है ना पॉपकॉर्न बाउल, ये तो जग है ना। ये आपको मिल रहे थे इतने के लिए। हाँ जी, शॉपिंग हमारी चल रही है अभी, जल्दी जल्दी से हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से शॉपिंग हो जाए। और यार रात हो गई थी बहुत ज़्यादा ना, तो फिर भी हम लोगों ने कहा कि इतना पूरा ही विज़िट करके जाएंगे, अब आए हैं तो सारी चीज़ें एक ही बार लेके चले जाएँ, फिर रमज़ान में हमसे निकला नहीं जाएगा रोज़ रोज़ बाहर ना। तो ये यहाँ पे फूलों के बीज और फूल वगैरह मिल रहे थे। देखें जी, प्लेटें मैंने थोड़ी सी ले ली थी, हर रमज़ान में मैं अपनी प्लेटें ले लेती हूँ, मतलब शॉपिंग कर लेती हूँ ग्रॉसरी वगैरह की ना। और मुझे तो आप ग्रॉसरी शॉप में छोड़ दें तो मैं सारी प्लेटें और तमाम डिनर सेट लेकर आ जाऊँ, मुझे तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। और तकरीबन मेरी पास अच्छा खासा कलेक्शन भी है। और ये देखिए, थोड़े से हमने बादाम वदाम भी ले लिए हैं जनाब, ताकि हम जो शरबत शाम में बनाएंगे तो उसमें हम बादाम ग्राइंड करके तो थोड़े से हम वो डाल देंगे, थोड़ा तुखमलंगा डाल देंगे। तो मेरी बच्चियों की तो शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। देखें जी, ट्रॉली तो हमने भर ली है खूब सारी, लेकिन मेरी बेटियों की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है। हमने ग्रॉसरी भी ले ली है अभी, हमारी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो हम लेकर फिर हम घर की तरफ रवाना होते हैं इंशाल्लाह ताला। ये मुझे अच्छा लग रहा था ना, ये यार ये कलर दूसरा लेना है, ये वाला कलर ले लो, ये वाला गंदा तो हो जाता है लेकिन कलर ये वाला अच्छा लग रहा था यार। बाउल्स का कलर मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन खैर हमने ले लिया। और जल्दी से हम लोग जल्दी जल्दी शॉपिंग ख़त्म करके और खाना खाने की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छी खासी भूख लग गई थी चलते चलते। आपको पता है मॉल्स में चलना अब कितना मुश्किल होता है, इतनी सारी जगह जगह सेक्शन बने होते हैं और वहाँ से जाके आपको चीज़ें पिक करना होती हैं और ट्रॉली लेकर घूमना, और अच्छी खासी हमारी ट्रॉली भी वज़नी हो चुकी थी। तो वन बाय वन हम सब ने जो है ना वो उसको पिक किया और चलाते गए।
और इसके बाद फिर हमने खाने पीने की तरफ रेस्टोरेंट की तरफ गए, लेकिन हम लोगों को बस रात को इतना टाइम लेट हो गया था कि हम लोगों ने जो है ना चीज़ें परचेस करके और ना हमने घर में ही आके खाई हैं। वहाँ पर तो बिल्कुल भी बहुत टाइम हो जाता यार, रात के 11-12 बज जाते। ये देखिए जी, पापड़ियाँ शापड़ियाँ भी हमने ले ली थी, ये चना चाट में डालेंगे और खूब मज़े से हम रमज़ान अपना हैप्पी हैप्पी गुजारेंगे। और खाने पीने की ये देखें चीज़ें सारी रखी हुई थी यहाँ पर, और वो कह रहे थे खुद ही आप ले लें, जितना आपका वज़न होगा उसके हिसाब से हम लोग आपको पे कर देंगे ना। तो ये थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग अगर किसी शॉपिंग मॉल में इस तरीके से जाएं या कोई ऐसा हो तो आपको इस तरीके से वहाँ पर देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हब मैं दिखा देती हूँ, ये देखें इन लोगों ने सैंडविचेस परचेस किए बच्चियों ने, और बेसन और हर चीज़ की जितनी भी रमज़ान के आइटम्स थे यहाँ पर बहुत अच्छे लगे हुए थे। और अब हम वापसी का सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी हम घर वापस जाने का सोच रहे थे, और लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, जाहिर सी बात है इतना रश था, और लास्ट कल रोज़ा था और आज हमने शॉपिंग कर ली। और ये देखें बच्चियों ने हमारी क्या क्या चीज़ें अजीबोगरीब चीज़ें ख़रीदते हैं आजकल के बच्चे, मुझे तो समझ से बाहर है यार। ये देखें हनी रखा हुआ था और बहुत ही अच्छी हम लोगों ने शॉपिंग की, लेकिन रात को बहुत लेट हो गए थे, कम से कम हमें आते आते घर पे 11 से 11-12 बज चुके थे ना। और मैंने कहा जल्दी से हमें खाना पैक कर दें और हम घर जाके ही अपना ये है ना फ्रूट चाट, ये तो मेरा फेवरेट है वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मैं जब भी आती हूँ हाइपर स्टार तो अपना यहाँ से फ्रूट चाट लाजमी लेके जाती हूँ। इनका फ्रूट चाट में स्पेशलिटी है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो जब भी 4 महीने या 6 महीने के बाद मेरा चक्कर लगता है तो मैं लाजमी यहाँ से अपना फ्रूट चाट परचेज़ करती हूँ। चले जी, अब घर की तरफ चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ट्रॉली की तरफ मैंने देखा जी, अच्छी खासी लाइन बन लगी हुई थी वहाँ पे रिसेप्शन पे, और जब सिंगल वाले का देखा और उसके बाद डबल वाले का देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा, जो जहाँ पर कम लोग थे वहाँ पर हम गए और वहाँ से हमने जो है ना अपनी ट्रॉली का लाइन लगा दी, और लाइन में लग गया, काफ़ी देर हम लोग खड़े रहे वहाँ पर, लेकिन ये है कि जल्दी हमारा नंबर आ गया। और ये देखें जी, हमारी बास्केट जो है फुल हो चुकी है, और पेमेंट भी ऐसे हमने फुल की है। मैं तो काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन बच्चों को मैंने बोला जी जल्दी जल्दी से आप ही लोग जो है ना, ये दोनों मिलकर बच्चियां जो है ना फटाफट रखें आप लोग ये सामान, और जल्दी से हम बस गाड़ी करवाएं और घर पहुंचें। गाड़ी हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने नहीं लेकर आए थे हमारे साथ, तो हम दूसरी गाड़ी हम लोगों ने ड्राइव वगैरह वो जो करवाते हैं, या यंगो शंगो जो चल रही हैं आजकल, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है हम सब के लिए। तो आइए चलते हैं जल्दी जल्दी। हम लोगों ने सामान रखा और वहाँ के हेल्पर बहुत अच्छे थे, उन्होंने फ़ौरन से मेरी ट्रॉली में बैग्स रखना शुरू कर दिए थे। ये जी लंबी सी लिस्ट हमें मिल गई है और हमने पे कर दिया है, इसको हम इसे संभाल के रखेंगे। अभी और सामान है यहाँ पर और बिलिंग कर चुके हैं। जल्दी से जल्दी सामान रखने के बाद हमने स्टैंप लगवाई और घर की तरफ चले। मुझे बैकग्राउंड का म्यूज़िक या वॉइस जो है वो स्टॉप करनी पड़ी, मैंने खुद ही इसको वॉइस ओवर किया है, क्योंकि यहाँ पर पीछे बहुत ज़्यादा ना इतना शोर शराबा था मॉल्स में, तो मैंने सोचा ये कि आपको जो है ना वॉइस ओवर करके तमाम बातें समझा दी जाएँ। ये देखिए जी, हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, और पहले गाड़ी का हम लोग वेट कर रहे थे, पहले अंदर बैठे हुए थे और गाड़ी का वेट कर रहे थे, और वो आ गई है गाड़ी, और उन्होंने हमें मैसेज कर दिया है, फ़ोन कर दिया है कार वालों ने, तो हम लोग जो है ना वो चल पड़े हैं बाहर की तरफ। और शॉपिंग शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं बाहर, और हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और ये आपको थोड़ा सा लेकिन रास्ते में हमें ये देखें ये जो बच्चे मिले हैं, दो स्कूटर पे थे, एक स्केटिंग में था, व्हील्स उन्होंने लिए हुए थे एक बच्चे ने, और वो पीछे एक अगले बच्चों के शोल्डर्स पे हाथ रख के और मूव कर रहा था। देखिए पेरेंट्स घर में कितने परेशान होते हैं, और इन बच्चों को होश ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कितने परेशान हैं और ये रोड पर ऐसी हरकतें करते हैं, अल्लाह रहम करे। तो ये घर में हम आ गए हैं जी, जल्दी जल्दी हम लोगों ने बस सौदा समेटने की कोशिश की है, और उसके बाद हमने अपना, मैंने तो, मुझे सख्त भूख लगी हुई थी यार, तो मैंने तो खा लिया अपने जो मैं फ्रूट चाट लेकर आई हुई थी, और जब तक मेरा फ्रूट चाट ख़त्म हुआ है तो मेरा रॉयल्स वालों का आ गया है कबाब, और बच्चों ने मंगा लिए थे कबाब जी इसके,
माशाल्लाह से। तो फिर कम से कम 12 एक तो बज ही गए थे हमें खाते हुए, क्योंकि रमज़ान में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।